नेपाल ने एक इतना बड़ा फैसला ले लिया है जिस फैसले का असर न सिर्फ भारत पर बल्कि सबसे ज्यादा असर तो चीन के ऊपर होने वाला है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर से। और बड़ी बात ये है कि 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं नेपाली पीएम। पहुंचने के बाद वो सबसे पहले किससे मिले? न पीएम से, न विदेश मंत्री से, न गृह मंत्री से। जानेंगे नेपाल में क्या कुछ चल रहा है और नेपाल को तबाह करने की जो प्लानिंग रची थी चीन ने, उसे भारत ने तोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री ने क्यों कह दिया कि भारत ही वो देश है जो इस जंग को रुकवा सकता है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो नेपाल देख रहे हैं आप, नेपाल एक लैंड लॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। अगर इसे कुछ व्यापार करना है, कुछ मंगवाना है, तो शुरुआती दौर में ये भारत का इस्तेमाल करता था, यानी कि भारत के रूट के जरिए नेपाल तक सामान पहुंचता था, यही चलता आया था। लेकिन फिर अचानक से केपी शर्मा ओली की सरकार आती है नेपाल में और केपी शर्मा ओली चीन की उंगली पकड़कर चलना शुरू कर देते हैं। चीन एक ऑफर देता है और चीन का ये ऑफर नेपाल को शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लगता है। चीन का ऑफर ये है कि आप छोड़ो, भारत की तरफ से क्यों व्यापार करते हो, हमारी तरफ से व्यापार करो, हमारे बंदरगाह का इस्तेमाल करो, हमारी जमीन का इस्तेमाल करो। और ऐसा शुरू भी हो जाता है, बहुत मजे मजे की बात शुरू हो जाती है, अच्छा लगने लगता है नेपाल को। फिर नेपाल चीनी भाई भाई के नारे लगने लगते हैं। पर इन सब के बीच आ जाती है महामारी, और जैसे ही महामारी आती है वैसे ही चीन क्या करता है, नेपाल से अपने बॉर्डर को लॉक कर देता है। पिछले 2 साल से नेपाल से बॉर्डर लॉक है। जो सामान थे, ट्रक थे, वो लाइन लगे रह गए, खराब हो गया माल, तबाह हो गया नेपाल। लेकिन कोई सुध नहीं ली चीन ने, चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके माल सड़ते रहे, उनका व्यापार वाह होता रहा, लेकिन चीन अपनी धुन में रहा। लेकिन गनीमत ये थी कि नेपाल ने भारत के साथ रिश्ते इतने खराब नहीं किए थे कि भारत के रूट का इस्तेमाल ना कर सके। पर जैसे ही केपी शर्मा ओली की सरकार गई और नई सरकार आई शेर बहादुर देउबा की, उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो हाल में विदेश मंत्री चीन के पहुंचे थे नेपाल, वांगी, वहां से जब वापस आए तो बिल्कुल बौखलाए से आए और यहां तक धमकी दे दी कि नेपाल और चीन के बीच रिश्ते में कोई तीसरा चौथा आ रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है, इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तीसरा चौथा में कौन कौन है? तो एक तो भारत है और दूसरा अमेरिका है, साफ साफ दिख रहा है। पर अभी अचानक से नेपाल की राजनीति में एक बड़ा सा करवट आया है और बड़ी मोड़ ये आई है कि नेपाल के एक मंत्री ने ये कहा है कि नेपाल एक बार फिर से बन सकता है हिंदू राष्ट्र। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि 2007 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अचानक से कम्युनिज्म का बुखार चढ़ा और हिंदू राष्ट्र से ये सेक्युलर देश बन गया, जबकि यहाँ 81% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है। ऐसे में जब अभी पूरा सरकार बहुमत की है, सब कुछ इनके हाथ में है, तो शेर बहादुर देउबा घोषणा कर सकते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और इसका अंदाजा कैसे लगा? तो नेपाल के एक सीनियर मिनिस्टर ने, जिनका नाम है प्रेम आले, उन्होंने कहा कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए और ये हम आसानी से कर सकते हैं एक रेफरेंडम को पास करा के। हमारे पास तो अभी बहुमत भी है, इसलिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका असर देखिए, ये सब कुछ कब कहा जा रहा है? जब नेपाल के पीएम 3 दिन की अपनी यात्रा पे पहुंचे हैं भारत। और भारत आने के बाद वो सबसे पहले किससे मिलते हैं? वो सबसे पहले मिलते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, जहां जेपी नड्डा उन्हें भव्य स्वागत भी करते हैं और गिफ्ट करते हैं राम मंदिर को। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से नेपाल की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले भी ये देश एक हिंदू देश था। और दूसरी बड़ी बात है कि वहां की बड़ी जनसंख्या ये चाहती है कि एक बार फिर से ये हिंदू राष्ट्र ही बने। इस हिंदू धर्म का फायदा लगभग हर पार्टियों ने वहाँ पे उठाया है। जैसे कि केपी शर्मा ओली को अगर आप याद करेंगे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि रामायण हमारे देश का है, अयोध्या हमारे यहाँ है, राम जी हमारे यहाँ हुए हैं। ये सारी बातें कहने के पीछे मकसद यही था कि उन्हें हिंदू धर्म के लोगों को लुभाना था। जैसे ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, इसका असर बहुत जल्दी बहुत दूर तक देखने को
मिलेगा। पर इससे भी बड़ी हलचल मचा दी है रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए और भारत आने के बाद जो मीटिंग हुई वो मीटिंग बेहद खास रही। रूसी विदेश मंत्री से इस बार पीएम मोदी मिले। आपको बता दें जब रूसी विदेश मंत्री ने पिछले बार ये कह दिया था कि भारत अब पश्चिमी देशों का गुलाम हो बन रहा है और ठीक उसके बाद रूसी विदेश मंत्री भारत आए थे तो पीएम मोदी उनसे नहीं मिले थे, पर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुलाकात की। पर एक संजोग और देखिए, जो वांग यी चीनी विदेश मंत्री आए थे तो उससे पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की, ये कहा कि वो व्यस्त हैं और इस मामले में अभी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन रूसी विदेश मंत्री से न सिर्फ मुलाकात की, पर मुलाकात के बाद जो चीजें निकल कर आई उसे देखकर यही लगा कि भारत की विदेश नीति बहुत ज्यादा ठोस हो चुकी है। आपको बता दें रूसी विदेश मंत्री और भारत की मुलाकात बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग तो यहाँ तक कह रहा है कि भारत को मदद करनी चाहिए हमारी रूस के खिलाफ, रूस को रोकने के लिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अन्याय, उकसावा पहले से प्लान करके और जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ भारत जैसे तमाम देश सामने आए और रूस के खिलाफ बोले। अमेरिका लगातार चाह रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे, पर ऐसा हो नहीं रहा है, सामान्य नहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। अब जो रूसी विदेश मंत्री और भारत की मुलाकात हुई उसमें दो चीजें कही गई। एक चीज तो रूसी विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भारत अगर हमसे कुछ भी मांगेगा तो हम किसी भी समय देने के लिए तैयार हैं। ये बात चीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हथियार हो, अगर भारत हमसे मांगता है तो हम देने को तैयार। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि यूक्रेन रूस जंग को रोकने की क्षमता अगर किसी में है तो वो भारत में है। भारत की नीति निष्पक्ष वाली है, यानी भारत निर्णय लेने की क्षमता रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए सही दिशा में सोच सकता है। ऐसे में हमें मध्यस्थ के रूप में वो चाहिए जो निष्पक्ष होकर सोच सके। वैसे आपको बता दें चीन को ये बात बहुत बुरी लगी होगी, ये दोनों ही चीजें चीन को बिल्कुल खेद के कही होंगी, ये तो आप लिख लीजिए। ऐसे भारत और रूस के बीच इन दिनों बहुत कुछ हो गया है। जानेंगे अगली खबर में कि कैसे और बड़ा ऐलान ने अमेरिका चीन दोनों को हिला दिया है। ऐसे आप भी इस बात से सहमत हैं कि भारत इस जंग को रुकवा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।